हेलो एवरीवन, टुडे वी विल कवर अ न्यू टॉपिक ऑफ द प्रेजेंट टेंस। आज हम लोग प्रेजेंट टेंस के एक अगले काइंड को देखेंगे, उसका नाम आप लोग गेस से हिंट कीजिएगा। बट बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक आई एम गोइंग टू टेल फ्यू सेंटेंसेस, जैसे चलो बुलावा आया है और माता ने बुलाया है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो बुलावा आया है और माता ने बुलाया है। सो आज इस टेंस को हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसका नाम क्या है। Why I have taken only this sentence? You will get realized after some time. मैंने इसी sentence का example क्यों लिया है? क्यों मैंने आपको बताया कि चलो बुलावा आया है और माता ने बुलाया? ऐसे आप लोग कभी अभी तक कभी जाना मत, अभी lockdown है, आप घर पे रहो, safe रहो। So now I am going to start. So हमारा sentence सबसे पहले हम लोग आज इस topic को पढ़ने वाले हैं। उसका नाम क्या है? Present perfect टेंस। उसका नाम क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इफ देयर इज अ हिंदी सेंटेंस, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द गिवन सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो वेरी सिंपल, जिस क्रिया के अंत में या है, ये है, यी है, अथवा चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुकी हूं, चुका हूं, इत्यादि लगा रहे, उसे प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य समझा जाएगा, का वाक्य समझा जाएगा। एज एन एग्जाम्पल, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया। सो नाउ व्हाट वी हैव ऑब्जर्व, व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हिंदी में कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट, कोई भी गिवन सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है भी या नहीं भी? जिस क्रिया के अंत में या है, ये है, ही है, अथवा चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुकी हूं, चुका हूं, त्यागे लगा रहे, उसे प्रेजेंट परफेक्ट वाक्य समझा जाएगा। अब जैसे एज एन एग्जाम्पल में हमने क्या लिया कि चलो बुलावा आया है और माता ने बुलाया। इन दोनों सेंटेंसेस को अगर हम लोग देखें तो दोनों के लास्ट में क्या है? या। अब हम लोगों ने यही तो लिखा है ना, जिस क्रिया के अंत में क्या है? या है। तो जिसके अंत में या है वो मेरा सेंटेंस किसका होगा? पीपी का होगा। पीपी मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। किसका होगा? प्रेजेंट परफेक्ट। तो चलिए सबसे पहले इसके स्टार्टिंग को लिख लेते हैं, लिख लीजिए इसको फास्ट फास्ट। अब हम लोग इसके इंग्लिश स्ट्रक्चर को देखेंगे कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई अ सेंटेंस इज आइदर बिलोंग टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और नॉट। कि कोई भी सेंटेंस जो है वो इंग्लिश में अगर लिखा हुआ हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा या नहीं होगा? अगर होगा तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? सो एज वी कैन राइट फॉर्म पॉजिटिव। सो व्हाट इज द पॉजिटिव फॉर्म ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? वेरी सिंपल, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस भीतर। नेक्स्ट वन इज नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस भीतर। इंट्रोगेटिव, आई एन टी डबल आर ओ जी ए टी आई डी, इंट्रोगेटिव। सो नाउ देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के दो फॉर्म होते हैं, फर्स्ट वन इज अ यस नो क्वेश्चन, द सेकंड वन इज डब्ल्यू एच क्वेश्चन।
तो सबसे पहले जब हम लिखेंगे द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू राइट इज यस नो क्वेश्चन. सो व्हाट इट इज हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क एंड द डब्ल्यूएच वर्ड प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क. सो what is the form of present perfect tense in English? What is subject plus has a plus with it? Subject plus has a plus not plus with it in negative, and in interrogative has a plus subject plus with it, or WH word plus has a plus subject plus with it. So why I have written two forms? Because interrogative sentences are of two types. First one is WH question and the second one is yes no question. So first one in here is written as yes no question and the second one is written as WH question. So what we conclude from all these three structures, that what is common here, this one and this one, has oblique have. So first thing that we have identified, that present perfect tense always contains auxiliary verb or a have verb has and have. कि जो हमारा present perfect tense होगा उसमें एक चीज जो सबसे common देखने को क्या मिलेगा, उसमें has और have होगा. But if a sentence contain only has have, that but if a sentence contains only has and have, it does not mean that this sentence belongs to present perfect tense. अगर किसी sentence में सिर्फ हम लोगों को has और have मिलता है, तो कोई जरूरी नहीं है वो क्या होगा, हमारा present perfect tense से belong करेगा. ऐसा कुछ नहीं हो सकता है. जैसे देखें, I have a car. This sentence contains Chevy, I have, but it does not belong to present perfect tense. इस सेंटेंस में have है, लेकिन फिर भी ये present perfect tense को belong नहीं करेगा. Why? Because this sentence does not contain be third. क्योंकि इसके पास क्या नहीं है, be third नहीं है. If I write, I have bought a car. I have bought a car. Now this sentence has both have and plus be third. So if a sentence contain have and be third, or a has plus be third, then it belongs to present perfect tense. तो अगर किसी में has have भी हो और be third हो, तभी वो हमारा present perfect tense का sentence होगा, वरना वो नहीं होगा. So जल्दी से इसको लिख लीजिए. Now अब हम लोग present perfect tense के uses को देखेंगे. So what? We are going to see the uses of the present perfect tense. So first use is what? But before starting the uses, understand what is present perfect tense. Present perfect tense relates an action of a past to the present. Present perfect tense क्या करता है कि एक past के actually I divide it into three part. It is past, it is present, and it is future. Then present perfect tense relate this action to this one. अगर present perfect tense क्या करता है, if I divide the time into a timeline. अगर टाइम को एक टाइमलाइन में हम बांट दें इस तरह से, ये हमारा पास्ट है, ये हमारा प्रेजेंट है, और ये हमारा क्या है, फ्यूचर है, तो उसके हिसाब से जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो क्या काम करेगा, व्हाट इट वर्क्स, दैट इट कनेक्ट्स अ पास्ट एक्शन टू द प्रेजेंट वन. ये क्या करेगा, पास्ट के एक्शन को प्रेजेंट से लिंक करेगा. विच वन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ये पास्ट के एक्शन को प्रेजेंट से क्या करेगा, लिंक करेगा. सो इसका सबसे पहला यूज क्या है, वी यूज this tense to show an action that has just been completed. We use this tense to show that an action that has just completed. हम लोग इस tense का इस्तेमाल वैसे cases में करते हैं, वैसे action के लिए करते हैं जो अभी अभी last हुआ है. What? जो अभी अभी last हुआ है, तुरंत खत्म हुआ है, हाल फिलहाल last हुआ है. जैसे I am recording the video right now, but after some time, when it will be the time to post the video, what I say? I have recorded a video. What? I have recorded a video.
इसका मतलब क्या हुआ? This action has just been completed. कि ये जो action है वो अभी अभी खत्म हुआ है. इससे खत्म हुए अभी 3-4 साल, 5-6-10-12 साल नहीं हो गए. Understand? इसके इस action का जो खत्म होने का जो समय हो गया बहुत short है. हाँ, उसका जो खत्म होने का जो time था वो past का है. But इसको हम relate किससे कर रहे हैं? कि present से. कि मैंने उसको क्या किया? अभी अभी record कर लिया है और अभी record करने की जरूरत नहीं है. In the same way you can write, I have just taken my breakfast. I have just taken my breakfast. What does it mean? It means that the action of taking the breakfast has just completed and that person is feeling no hunger right now. He is fulfilled with the food. इसका मतलब क्या हुआ? कि ये जो व्यक्ति है इसने खाना खाया, इसने ब्रेकफास्ट किया है, ये पूरी तरह से खा चुका है, इसका जो स्टमक है, इसका जो पेट है वो पूरा से भर चुका है और अब इसको खाने की जरूरत नहीं है और इसका जो खाने का काम है वो अभी अभी खत्म हुआ है. वरना 3-4 साल पहले कुंभकर्ण के जैसा खाता तब तो इसको बहुत जोर से भूख लग जाता. सो ये क्या, इसका मतलब क्या हुआ? कि ये जो एक्शन है वो अभी अभी खत्म हुआ है और इसको अब एक्स्ट्रा खाने की जरूरत नहीं है. And it also connect a past action to the present one. और ये क्या कर रहा है? इसका जो खाने का काम है वो तो past में खत्म हुआ है लेकिन ये relate किससे कर रहा है? Present से कर रहा है. So इसको भी जल्दी से लिख लीजिए. Now, जो इसका next use है, जो हम लोग को ये बताता है कि the action which has completed in the past, the action which has completed in the past, but the effect has now. इसमें वैसे एक्शंस भी रखे जाते हैं जो एक्शन पास्ट में खत्म हो गए हो लेकिन उसका प्रभाव अभी अभी देखने को मिल रहा है, उसका प्रभाव अब देखने को मिल रहा है. जैसे आप कह सकते हो, सपोज दैट इफ यू हैवंट डन योर होमवर्क, कि आपने जो अपना होमवर्क नहीं किया, अभी तो डर नहीं लग रहा होगा, बट इफ क्लास इज गोइंग ऑन, अगर क्लास चल रहा होता था या अभी अगर चलना शुरू हो जाए तो आप होमवर्क नहीं बनाए हो, तो होमवर्क आपके नहीं बनाने का काम तो पास्ट हो गया. बट वेन यू रीच द स्कूल, जब आप स्कूल पहुंचे तो आपके मन में एक डर सता रहा होगा कि आपने तो होमवर्क बनाया नहीं है, तो पिटाई लग सकता है, किस सब्जेक्ट में लगेगा, कितना पीटेंगे, ये सारी चीजें क्या है कि आपने बनाया जो आपके होमवर्क बनाने का नहीं, होमवर्क नहीं बनाने का काम था, वो क्या था? एक पास्ट एक्शन था. दैट वॉज अ पास्ट एक्शन. बट उसका रिजल्ट क्या है? अभी अभी पढ़ रहा है आपको, उस समय पढ़ रहा होगा जब आप क्लास में बैठे होंगे, तो क्या हुआ? द एक्शन विच हैज कम्प्लीटेड इन द पास्ट, वो एक्शन जो पास्ट में कम्प्लीट हुआ उसका प्रभाव अभी भी क्या है? बाकी है. जैसे कोरोना का देख लो, कोरोना कब का आया था बट उसका प्रभाव अभी भी क्या है? बना हुआ रहेगा. लॉकडाउन खत्म हो जाएगा बट फिर भी उसका प्रभाव क्या रहेगा? बना रहेगा. तो इन सारे केसेस को हम लोग कहां रखेंगे? वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. हम लोग को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा. द क्वेश्चन इज व्हाई? बिकॉज इट ऑल्सो शोज एन एक्शन विच कंप्लीटेड इन द पास्ट बट हैज अ रिजल्ट नाउ. इफ अ सेंटेंस शोज दिस टाइप ऑफ सिचुएशन then we have to use the present perfect tense. So now I am going to write it. We use this tense to denote an action completed in the past. But has a result now. कि काम जो है वो बहुत पहले खत्म हो गया था बट उसका जो प्रभाव है वो अभी भी क्या है? बाकी है. जैसे as an example, I have visited the Red Fort. I have visited the Red Fort. What does it mean? The action of visiting has been completed in the past. तो ये जो विजिट करने का जो एक्शन है वो बहुत पहले ही पास्ट में समाप्त हो चुका है. बट वहां की जो सीन है, वहां की जो सीनरी है, that has the effect on my mind still now. कि उसका जो इफेक्ट है वो अभी भी क्या है? मेरे मन मस्तिष्क पे क्या है? पड़ा हुआ है. तो हमारा जो घूमने का काम था, जो मेरा घूमने का काम था वो तो खत्म हो गया बट उसका जो प्रभाव है वो अभी भी क्या है? बना हुआ है. मतलब काम खत्म, प्रभाव अभी भी बाकी. ठीक उसी तरह से
जिस तरह से पिटाई लगने के बाद दर्द होता है, कि पिटाई खाने का काम जो है वो तो पहले हो जाता है, पर उसका जो दर्द होता है, उसका जो तकलीफ होता है, वो बाद में समझ में आता है. सो दैट इज द थिंग दैट एक्शन विच हैज कंप्लीटेड इन द पास्ट बट हैज अ रिजल्ट नाउ, कि कोई भी काम पास्ट में खत्म हो गया है बट उसका प्रभाव अभी भी क्या है, बना हुआ है. आई हैव पास्ड माई एग्जामिनेशन. आई हैव पास्ड माई एग्जामिनेशन, इसका मतलब क्या हुआ कि जो एग्जामिनेशन पास करने का जो टाइमिंग था, जो एक्शन था, वो क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, बट उसका प्रभाव अभी भी क्या है, बना हुआ है, कि मैंने अपना एग्जाम पास कर लिया है, इसलिए मैं बहुत खुश हूं. मेरे चारों तरफ क्या होगी, अप्रिसिएशन होगा. सो दिस इज द यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सो इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिए. नाउ जो इसका नेक्स्ट यूज है वो क्या है, कि द एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास्ट, विच स्टार्टेड इन द पास्ट बट कंटिन्यूड इन द प्रेजेंट, कि वैसे एक्शन जो पास्ट में शुरू हुए हैं लेकिन अभी भी क्या है, कंटिन्यू है. पास्ट में शुरू हुए हैं और अभी भी कंटिन्यू है. एंड इट विल ऑल्सो कोरिलेट विद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, बट आई विल एक्सप्लेन इट इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. बट व्हाट इज द नेक्स्ट यूज ऑफ दिस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दैट इट इज ऑल्सो यूज फॉर दोज एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड इन द प्रेजेंट, कि वो सारे एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुए हैं लेकिन अभी भी क्या है, जारी है. सो व्हाट इज नेक्स्ट यूज, we also use this tense for those actions started in the past and continued in the present means कि जो action past में शुरू हुआ था और अभी भी क्या है, जारी. जैसे श्याम has lived here for 3 years. Shyam has lived here for 3 years. What does it mean? इसका क्या मतलब हुआ कि श्याम रहना कब से शुरू किया, पास्ट में रहना शुरू किया और अभी भी उसका जो रहने का जो काम है वो क्या है, कंटिन्यू है. सेम उसी तरह से रघु has taught in DCS for 8 years. What does it mean? It only mean that the action of teaching started in the past and continued in the present. It is not known to the future that what this action will happen in the future. किस action का future में क्या काम होगा, क्या होगा, नहीं होगा, इससे कोई अता पता नहीं है. But what does it mean? इसका सिर्फ क्या मतलब है? कि ये जो action है, जो पढ़ाने का जो काम है, वो past में शुरू हुआ है और अभी भी क्या है, जारी है. तो इन सारे cases के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? Present perfect tense का इस्तेमाल करेंगे. तो इसको भी जल्दी से लिख लीजिए. Now, अब हम लोग देखेंगे कि कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जिनके साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होता है. देयर आर आल्सो फ्यू वर्ड्स विद व्हिच वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसके साथ हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं. वो कौन कौन से वर्ड्स हैं, चलिए देखते हैं. सो द फर्स्ट वन इज ऑलरेडी. नेक्स्ट वन इज जस्ट. नेक्स्ट वन इज सिंस. Next one is so far. Next one is recently. Already, just, since, so far. For,
एक्सेट्रा, इन सारे वर्ड के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई हैव नॉट टॉट ऑनलाइन सिंस 2005, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने जो है ऑनलाइन नहीं पढ़ाया है कब से, 2005 से। तो ये जो एक्शन है वो कब से स्टार्ट है, पास्ट से स्टार्ट है, और अभी भी कब, अभी भी वो क्या है, कंटिन्यू है। सो जो एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ था और प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है, उसके लिए तुम्हारे पास क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था। इन द सेम वे जितने भी सारे वर्ड्स हैं उसके साथ हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। सो दीज वर द यूजेस ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इट लुक्स वेरी सिंपल बट द कंफ्यूजन क्रिएट्स व्हेन इट इज यूज्ड विद द सिंपल पास्ट टेंस, बिकॉज सिंपल पास्ट टेंस ऑल्सो शोज एन एक्शन विच रिलेट द पास्ट एक्शन, विच रिलेट्स द पास्ट एक्शन। सो दिस लुक्स वेरी सिंपल बट ऑलवेज रिमेंबर द यूजेस ऑफ दिस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो पहला आपने जो क्या पढ़ा था कि जो एक्शन पास्ट में शुरू हुआ हो और प्रेजेंट में भी क्या हो, जारी हो। एक आपने क्या पढ़ा कि जो काम पास्ट में शुरू हुआ हो और उसका प्रभाव अभी भी क्या हो, बाकी हो। आपने फिर क्या देखा कि कुछ ऐसे वर्ड्स है जिनके साथ हमेशा क्या यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल होता है। सो इन सारे चीजों को याद रखिएगा बिकॉज इट विल हेल्प यू टू फिल द गैप फिलिंग। ये सारी चीजें जो है आपको गैप फिलिंग जब पढ़ने के लिए आएगा तो वहां पे हेल्प करेगा। सो प्लीज नोट इट डाउन एंड रिमेंबर इट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।